जबलपुर के जंगलों में एक चोरों का गिरोह था। उस गिरोह का नायक था गब्बर। वो और उसके गिरोह के साथी घोड़ों में सवार होकर बैंक और लोगों के घरों को लूटते थे। इस तरह चुराए हुए पैसों को उस गुफा में ही छुपाते थे। इतना ही नहीं, हाईवे में जा रहे ट्रकों को रोककर उन्हें लूटते थे। मालगाड़ियों को भी लूटते थे। एक बार उस एरिया में रंजीत सिंह नाम का एक पुलिस अफसर आया। वो बहुत ईमानदार था। आते ही उसने गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और गांव वालों, आप सब जानते ही हैं कि गब्बर और उसका गिरोह किस तरह चोरी करके लोगों को परेशान करता है। आप लोगों में से बहुत सारे हैं जो उसके चोरी से पीड़ित हैं और कई ऐसे भी हैं जो उसके खबरी हैं। ये लोग पुलिस वालों के प्लान के बारे में उसे पहले ही खबर कर देते हैं और वो चौकन्ना हो जाता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, गब्बर अच्छे दिल वाला इंसान है। कोई खास वजह से वो चोर बन गया, तो मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर गब्बर आत्मसमर्पण करेगा तो उसे कम से कम सजा दिलाने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। ये मेरा वचन है और गब्बर के लिए आखिरी चेतावनी। इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा सिवाय एनकाउंटर के। ऐसा कहा। इस तरह इस बात की खबर गांव के कुछ लोगों ने ले जाकर गब्बर को गुफा में जाकर बताया। तब गब्बर, दोस्तों मुझे इंस्पेक्टर रंजीत की बातों में यकीन है। मैं जानता हूं वो जैसा कहते हैं वैसे ही करेंगे। मेरा ये सोच है कि हम जाकर आत्मसमर्पण कर दें और थोड़े दिनों में छूटकर आकर अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? ऐसा पूछा। तब गिरोह के बाकी सदस्य भी मान गए। इस तरह गिरोह के सारे सदस्य इंस्पेक्टर रंजीत के पास गए और जाकर हथियार डाल दी और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। जेल में उन लोगों ने रंजीत सिंह से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखी। इस तरह उनमें बदलाव आया। यूं जेल में सजा काटने के बाद गब्बर और उसके साथी जेल से छूटकर बाहर आए। उन्हें लेकर रंजीत सिंह गांव में आया। रंजीत सिंह गांव वालों से, भाइयों और बहनों, इतने दिन गब्बर और उसके साथियों ने बहुत चोरी की और उसकी सजा भी उन्हें मिली। अब ये जेल से छूटकर आए हैं और अब ये बदल गए हैं। अब ये सब ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहते हैं। अब इनकी देखभाल करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप सब मिलकर इन्हें कोई ना कोई काम दीजिए और इनकी देखरेख कीजिए। तब गांव वालों ने ठीक है कहकर सिर हिलाया, लेकिन ये लोग जहां भी जाते उन्हें नौकरी नहीं है कहकर उन्हें भेज देते। एक दुकानदार, गब्बर भाई, मैं नहीं जानता कि आपको मैं ये बात कैसे कहूँ। आप लाख कोशिश कर लो, आपको कोई काम नहीं देने वाला। आप लोगों ने काम ही ऐसा किया कि लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए गब्बर भाई। ये सुनकर गब्बर और उसके साथी बहुत दुखी हुए। तब गब्बर ने अपने साथियों से, साथियों अगर हमें इनका विश्वास जीतना हो और अपनी भूख को मिटाना हो तो कोई ना कोई काम तो करना ही होगा, कहकर क्या करना है ये उन्हें बताया। इस तरह उन सब ने मिलकर एक जेल रेस्टोरेंट खोला। गब्बर और उसके साथियों ने पुलिस वालों की वर्दी पहनी। इंस्पेक्टर रंजीत ने उस जेल रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। गब्बर, सर जब हम जंगल में थे तब हमने खाना पकाना सीखा और जेल में खाना और अच्छी तरह बनाना सीखा सर, इसीलिए हम ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं सर। अगर लोग आकर इस होटल में खाना खाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी सर। हमने एक छोटा सा नियम रखा है कि जो भी यहाँ खाने के लिए आएगा वो कैदियों की वर्दी पहनेगा। सर आपको भी कैदी का वर्दी पहनकर ही यहाँ खाना खाना होगा सर। यूं हंसते हुए कहा। तब रंजीत सिंह कैदियों का वर्दी पहनते हुए, गब्बर तुमने मेरे बात को सम्मान करते हुए आत्मसमर्पण किया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। साथ साथ इस बात का भी दुख है कि गांव वाले तुम लोगों पर भरोसा नहीं करते। ये समाज ऐसा ही है, ये कभी नहीं बदलता, कहकर उसने गब्बर के कंधे को थपथपाया। रेस्टोरेंट नया नया खुला था, लोग धीरे धीरे आने लगे। वहाँ कैदी की वर्दी में ग्राहक बैठते तो गब्बर और उसके आदमी पुलिस के वर्दी में उन्हें खाना परोसते।
यूं कम समय में ही वो रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हो गया। एक दिन दो ग्राहक कैदी के वर्दी पहनकर वहां पहुंचे। तब गब्बर उनके पास पहुंचा और, सर यहां के बजाय अंदर सेल में बैठेंगे तो वहां एसी है, आप आराम से खा सकेंगे, क्या आप वहां बैठना पसंद करेंगे सर, ऐसा पूछा। उन दोनों ने ठीक है कहा। फिर जैसे ही वो सेल के अंदर गए, गब्बर ने तुरंत गेट बंद किया और रंजीत सिंह को फोन लगाया। रंजीत सिंह पुलिस के साथ आया और उन दोनों को कैद कर लिया। गब्बर, सर ये दोनों जेल से भागकर जेल के वर्दी में ही यहाँ पहुँच गए थे सर, मुझे शक हो गया इसलिए इन्हें पकड़ लिया। एक चोर दूसरे चोर को आराम से पहचानता है ना सर। ऐसा कहा तो वहाँ खड़े सब लोग जोर से हंसने लगे।